हिमाचल प्रदेश सरकार कहीं भी अस्थाई टीचरों की नियुक्ति करने नहीं जा रही है। मैंने भी अखबारों के माध्यम से आज सुबह पढ़ा कि सरकार ने शिक्षा निदेशक उपनिदेशक के माध्यम से नियुक्तियां करने जा रही है। इस प्रकार का भ्रमजाल अखबारों के माध्यम से जो फैलाया जा रहा है, सरकार की इस प्रकार की कोई नीति नहीं है, उसमें हमको ज़्यादा छेड़छाड़ दिख रहे। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि स्कूलों में खाली पद भरने चाहिए। अब ये परमानेंट भर्ती तो नहीं होगी, होगी तो ये मतलब स्टॉप गैप अरेंजमेंट होगा, या मान लो 2 साल के लिए होगी, 3 साल के लिए होगी, या जब तक रेगुलर नहीं आएगा उस आधार पे होगी। मगर अभी ये स्टॉप गैप ये जो है फाइनलाइज नहीं हुई है। हमारी सरकार ने फैसला किया है, जो संस्थाएँ बीजेपी के लिए 900 संस्थाएँ खोली थी अपने आखिरी 6 महीनों में, उसको निरस्त किया गया और एक कमरे में जो है वो तहसील है, सब तहसील है, दफ्तर खोल दिया। और अगर हम इन संस्थाओं को चलाते तो ये मान के चलो आप सालाना 5,000 करोड़ रुपए का जो है बोझ जो है हिमाचल की सरकार ने तो लिया गया है। कि जो हमने चुनाव में वायदा किया था कि हम जो पुरानी पेंशन जो है बहाल करेंगे, और जिसको हमने पहली कैबिनेट में जो है मंजूरी दी है, आज कैबिनेट ने विधिवत रूप से OPS को आज लागू करने का फैसला किया है। और जो हमारा शेयर था, एम्प्लॉइज़ का शेयर था जो न्यू पेंशन स्कीम का है, उसको अगले महीने से बंद कर दिया गया है। फर्स्ट कैबिनेट का वेट कीजिए और फर्स्ट कैबिनेट के लिए 100% आपकी पेंशन बात करने का। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के 10 दिन के भीतर ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया जाएगा। हम कह रहे हैं कि जब मंत्रिमंडल पहली बार मिलेगा, अगर हमारी सरकार बनेगी, उसी मीटिंग में घोषणा है कि उस मीटिंग में से निकलकर कि पुरानी पेंशन आपको वापस मिलेगी। सिर्फ 10 दिन में लागू कर देखिए, आपने कहा सिर्फ 10 दिन में। पब्लिक के भी हमने सुझाव मांगे, ईमेल एड्रेस जारी कर रहे हैं, जिससे जो लोगों की पीपल्स मैनिफेस्टो बना रहे हैं, जैसे हमने विधानसभा में बनाया, तो सेम पैटर्न में हम कर रहे हैं और इसको बहुत जल्दी जारी कर देंगे। क्या बोला ये सुना भाई, बोला एक होला, एक 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 महिला होला तो 1500 रुपए, दो ही होला तो 3000, त्राय होला तो 4500, चार होला तो 6000। ये कुल्लू की भाषा में बोला है। 18 साल से 60 साल की जो महिला है, बेटियां है, या हमारे जो माताएं बहने हैं, सबके लिए जो है 1500 रुपए महीना। ऐसे ही सरकार बनेगी, 1 हफ्ते के अंदर आपके जनवरी महीने में आपके खाते में 1500-1500 रुपए होंगे। इधर सरकार बनेगी, उधर मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण होगा और दिसंबर महीने से आपके खाते में 1500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। एक लड़की 1500 रुपया, दूसरी लड़की 3000 रुपया, एक बहू 4500 रुपया, एक सास 6000 रुपया। अस्थाई टीचर नियुक्ति संबंधी कैबिनेट सब कमेटी की गाइडलाइन को सीएम सुक्खू ने बताया मीडिया का भ्रमजाल। बड़े बड़े बयान के लिए सीएम से ज्यादा चर्चाओं में रहने वाले उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कल मीडिया को जारी किया था टेम्परेरी टीचर अपॉइंटमेंट संबंधी बयान। बयान बहादुर मंत्री के अनुसार प्रदेश के दूरदराज के इलाकों में तैनात किए जाने हैं 2 से 3 साल के लिए अस्थाई शिक्षक। 5 लाख सरकारी नौकरी संबंधी गारंटी पर यूटर्न लेते हुए उद्योग मंत्री ने कही केवल 1 लाख गवर्नमेंट जॉब की बात। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के अनुसार हर्षवर्धन की सब कमेटी को केवल शिक्षकों के खाली पदों संबंधी रिपोर्ट सबमिट करने को कहा था। भाजपा तो विपक्ष द्वारा फर्स्ट कैबिनेट में OPS महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन पर 1 लाख नौकरियां देने का वादा पूरा न किए जाने पर भी MC शिमला के इलेक्शन में जमकर घेरी जा रही है सुक्खू सरकार। 900 इंस्टीट्यूट बंद किए जाने, फर्स्ट कैबिनेट में पहली 3 गारंटी पूरी न होने पर अब अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखे कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया यूजर। अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी उद्योग मंत्री के बयान को मुख्यमंत्री द्वारा अखबारों का भ्रमजाल बताए जाने से नाखुश नजर आ रहे हैं प्रदेश के मीडिया कर्मी। प्रदेश में सुखविंदर सुक्खू अथवा कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद पिछले 4 माह में अपने बड़े बड़े बयान के लिए सुर्खियों में रहने वाले सिरमौर से संबंध रखने वाले उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान द्वारा कल जारी किया गया टेम्परेरी टीचर नियुक्ति संबंधी बयान मुख्यमंत्री ने मीडिया का भ्रमजाल करार दिया। इस इशू पर जारी की गई बाइट में सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि दरअसल उनकी सरकार शिक्षकों की अस्थायी अथवा बैकडोर एंट्री जैसी कोई भी भर्ती करने नहीं जा रही है और
सभी टीचर पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अपॉइंट किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी खबरों को भ्रामक बताते हुए कहा कि वरिष्ठ मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता वाली कमेटी को केवल प्रदेश में खाली पड़े शिक्षकों के पदों संबंधी रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया था और उनकी सरकार कोई भी बैकडोर अथवा अस्थायी भर्ती नहीं करेगी। गौरतलब है कि इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ऑफ हिमाचल हर्षवर्धन चौहान ने कल इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए साफ साफ कहा था कि सूबे के इंटीरियर के विभिन्न स्कूल में अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और 2 से 3 साल के लिए टेम्परेरी टीचर अपॉइंट किए जाएंगे। हर्षवर्धन चौहान ने यह भी कहा था कि यह नियुक्तियां पहले की सरकारों की तरह एसडीएम द्वारा नहीं की जाएगी और डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के माध्यम से होने वाली इन भर्तियों में आरएनपी रूल के साथ साथ रिजर्वेशन रोस्टर भी लागू होगा। गौरतलब है कि प्रदेश में कांग्रेस अथवा सुखविंदर सुक्खू सरकार के सत्तासीन होने के बाद पिछले 4 माह में सिरमौर से संबंध रखने वाले हर्षवर्धन चौहान अपने बयानों के लिए चीफ मिनिस्टर से ज्यादा चर्चाओं में रहे और जनवरी माह में जहां बार बार 900 ऑफिस अथवा इंस्टीट्यूट बंद किए जाने संबंधी बयान उक्त मंत्री ने जारी किया, वहीं इसके बाद प्रदेश सरकार पर 75,000 करोड़ का कर्ज व आर्थिक बदहाली उनका फेवरेट स्टेटमेंट रहा। ऑफिस बंद किए जाने व पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा छोड़े गए कर्ज को लेकर भाजपा द्वारा तीखी प्रतिक्रिया दिए जाने के बाद इस माह हालांकि हर्षवर्धन सहित किसी भी मंत्री अथवा मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को प्रमुखता से नहीं उठाया, मगर 5 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी पर रिटर्न लेने की कोशिश की जा रही है। टेम्परेरी टीचर अपॉइंटमेंट के साथ साथ कल इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी अथवा सरकार ने गत विधानसभा चुनाव के दौरान केवल 1 लाख नौकरियां देने की बात कही थी और शेष 4 लाख प्राइवेट सेक्टर अथवा फैक्ट्रियों में दी जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा अपने मंत्री अथवा कैबिनेट कमेटी के बयान को अखबारों अथवा मीडिया का भ्रम जाल बताए जाने से सूबे के अधिकतर पत्रकार भी नाखुश बताए जा रहे हैं और सीएम के इस बयान को मीडिया व सोशल मीडिया द्वारा आज सरकार के यू टर्न वाले हेडिंग के साथ प्रकाशित किया गया है। गौरतलब है कि गत विधानसभा चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी सहित कई आला कांग्रेस नेताओं ने ओपीएस महिलाओं को 1500 पेंशन व 5 लाख में से 1 लाख नौकरियां देने संबंधी गारंटी पहली कैबिनेट में पूरी करने की बात कही थी और ऐसा न होने को अब भाजपा व विपक्ष एमसी शिमला इलेक्शन में मुख्य मुद्दा बनाए हुए है। जानकारी के अनुसार अब तक मंत्री तक न रहने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू के पहली बार सीएम बनने पर उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों व कुछ उनके खुद के बयान को विपक्ष द्वारा उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने से आम जनता में सरकार की छवि खराब हो रही है, जिसके चलते समय समय पर डैमेज कंट्रोल के प्रयास भी किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार कहीं भी अस्थायी टीचरों की नियुक्ति करने नहीं जा रही है। मैंने भी अखबारों के माध्यम से आज सुबह पढ़ा कि सरकार ने शिक्षा निदेशक उप निदेशक के माध्यम से नियुक्तियाँ करने जा रही है। किसी भी प्रकार की बैकडोर नियुक्तियों का सरकार की कोई मंशा नहीं है। जो कमेटी है उसे सिर्फ ये कहा गया है कि आप जहाँ जहाँ शिक्षक खाली है उन पदों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी और जो नियुक्तियाँ होगी वो पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत की जाएगी। इस प्रकार का भ्रमजाल अखबारों के माध्यम से जो फैलाया जा रहा है, सरकार की इस प्रकार की कोई नीति नहीं है। हिमाचल प्रदेश सरकार पारदर्शिता में विश्वास रखती है। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार जब भी इन टीचरों की नियुक्तियां करेगी जहां स्कूल खाली है तो पारदर्शिता के आधार पर करेगी। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं जिस प्रकार अखबारों में आया है ये सब बातें गलत है।